हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैसे भी हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया।
इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सुची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इस्करा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉक्टर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉक्टर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोएटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एस टी एफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमात्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे
किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कलकी मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कलकी फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के श्रीना माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉक्टर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरिजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉक्टर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एस टी एफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैसे भी हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे
किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा शुरू तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रिया मानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इस्करा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कलकी मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कलकी फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के श्रीना माफी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है जहाँ उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए हैं रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इश्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे
किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा शुरू तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टाम्बे एज कलकी मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कलकी फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरिजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमात्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैसे भी हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के श्रीना माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं।
आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा शुरू तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इस्करा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर
के रूप में एज कल्कि, फादर के रूप में विवेक राघुवंशी, एज कमांडो आलिफ के रूप में रविंद्र विजय, एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में शरद व्यास, एज जज के रूप में डोरेंडो लोइटो कम्ब, एज विलेज फिजिशियन के रूप में अब्रिलन लिम्बो, एज यंग जूजू के रूप में एटली, एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी, इरम, इक्करा, कदिक, हेलन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आज़ाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉक्टर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरिजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉक्टर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एस टी एफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमात्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे
किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा शुरू तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉक्टर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉक्टर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एस टी एफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन, और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा, और इसे स्टोरी दिए एटली, और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान, गौरव वर्मा, और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु, और इसे एडिट किए रूबेन, और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र, और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो, और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023, और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट, और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चपरा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत, गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्कि मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्कि फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्बम एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैसे भी हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है, और उस वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उस उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के श्रीना माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे
किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसकी गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है, जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जीके विष्णु और इसे एडिट किए रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम वाइफ स्पेशल अपीयरेंस, प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, सन्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वर्जन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉटर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज इराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश घोष जैन एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कालिया डॉटर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक
राघुवंशी एज कमांडो आलिफ ग्रुप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रुप में, शरद व्यास एज जज ग्रुप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन ग्रुप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू ग्रुप में, एटली एज हिमसेल्फ सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी इरम इक्करा कदिक हेलन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आजाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आजाद और उसके गिरोह के ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आजाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती और उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवान मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जवान ये 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए एटली और इसे स्क्रीन प्ले दिए एटली एस रमन ग्रीवर्सन और इसे डायलॉग दिए सुमित अरोरा और इसे स्टोरी दिए एटली और इसे प्रोड्यूस किए हैं गौरी खान गौरव वर्मा और इसे स्टारिंग दिए हैं शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए जी के विष्णु और इसे एडिट किए हैं रूबेन और इसे म्यूजिक दिए अनिरुद्ध रविचंद्र और इसके प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए सी बिलो और इसका रिलीज डेट रहा है 7 सितंबर 2023 और इसका रनिंग टाइम है 169 मिनट और ये इंडिया कंट्री बनी हुई हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 300 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 419.53 करोड़। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। शाहरुख खान इन अ डुअल रोल एज कैप्टन विक्रम राठौर एंड एक्स कमांडो के रूप में, आजाद अ वोमेन प्रिजन वार्डन, नयनतारा एज नर्मदा राय चीफ ऑफ फोर्स वन, विजय सेतुपति एज कालिया गायकवाड एंड आर्म डीलर, दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर विक्रम्स वाइफ स्पेशल अपीयरेंस,
प्रियामानी एज लक्ष्मी के रूप में, संध्या मल्होत्रा एज डॉक्टर ईराम के रूप में, सुनील ग्रोवर एज ईरानी के रूप में, संजीता भट्टाचार्य एज हीलन एंड एथिकल हैकर के रूप में, गिरिजा ओक एज इसकरा एज आर्टिस्ट के रूप में, लहर खान एज कलकी के रूप में, आलिया कुरैशी एज जानवी के रूप में, रिधि दोगरे एज कैवरी के रूप में, मुकेश चोपड़ा एज पप्पू के रूप में, योगी बाबू एज पप्पू तमिल वजन के रूप में, इजाज खान एज मनीषा गायकवाड कालियास ब्रदर के रूप में, संगीत त्रिशलात्रिम एज जूजू के रूप में, सीजा सरोजा मेहता एज सूची राय नर्मदा डॉक्टर के रूप में, प्रियांश वैतानी एज अरजीत गौरव एज यंग आजाद के रूप में, उत्सव नरोला एज महावीर जैन के रूप में, विराज गेलानी एज दुबे के रूप में, भरत राज एज ईराई अनबू के रूप में, केनी बसुमत्री एज नाजिर अहमद के रूप में, जफर सिद्दीकी एज सुधीर के रूप में, नरेश गोस्वामी एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में, अश्विन कौशल एज हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, सुखी गरेवाल एज मूरत वॉइस ऑफ भाई मनोज पांडे के रूप में, अभिषेक देशवाल एज अब्दुल के रूप में, शाय देना एज सुधीर के रूप में, अश्लीषा ठाकुर एज आलिया गायकवाड कारिया डॉक्टर के रूप में, स्मिता टॉम्बे एज कल्की मदर के रूप में, ओमका दास मणि कपूर के रूप में एज कल्की फादर के रूप में, विवेक राघुवंशी एज कमांडो आलिफ के रूप में, रविंद्र विजय एज मुकुंद मेनन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, शरद व्यास एज जज के रूप में, डोरेंडो लोइटो कम्ब एज विलेज फिजिशियन के रूप में, अब्रिलन लिम्बो एज यंग जूजू के रूप में, एटली एज हिमसेल सॉन्ग जिंदाबाद जिंदा बंदा कैमियो अपीयरेंस, संजय दत्त एज एसटीएफ ऑफिसर माधव नायक कैमियो अपीयरेंस। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। आज़ाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो कैदियों के एक समूह जिसमें लक्ष्मी ईरम इक्करा कदिक हेरन और जानवी शामिल है के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। उन्होंने कृषि मंत्री से भी रुपए भेजने के लिए एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की। यात्रियों की जान के बदले 40,000 करोड़ रुपए। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उनकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आज़ाद देश में 7 लाख गरीब किसानों के ऋण माफ़ी के लिए पैसा दान करने की अपनी योजना का खुलासा करते हैं। आज़ाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आज़ाद ने आलिया के माध्यम से आर्म्स डीलर को अपनी असली नाम विक्रम राठौड़ बताया। इस बीच आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी बेटी सूची से होती है और अत्यंत उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद और उसके गिरोह के अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। अस्पताल में बुनियादी ढांचा तुरंत शुरू किया जाता है जिससे आज़ाद और उसके गिरोह को नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद फिर से भागने की अनुमति मिल जाती है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आज़ाद को विक्रम नाम के एक उसके हमशक्ल ने बचा लिया। नर्मदा आज़ाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और उनका सामना करती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो है जो 40 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकलता है। तो फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।